हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेल सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि मैं ना इस वाले रेंच में आया हुआ था, और यहाँ आने के बाद मेरे को एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद मेरे को पता चलता है कि जो ये वाला रेंच है ना, ये कभी मेरे दादाजी का होता था, और दादाजी का ये सपना था कि वो है ना इसको अच्छे से मैनेज कर पाए। लेकिन भाई दादाजी किन्हीं कारणों से इस रेंच को मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने मेरे लिए एक लेटर छोड़ा था और वो मैंने पढ़ लिया। तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया, और रुकने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ काम किए, जैसे कि भाई ये वाली गाड़ी है ना ये बनाई, और यहाँ पे मैं दो चिकन भी लेके आया था, उनसे भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगा। तो यहाँ पे भाई मैंने कुछ टास्क वगैरह किए थे। तो अभी हमें इस रेंच में काम करते करते ऊपर देखोगे तो बीच में डे वन हो चुका है, और डे वन का 1:16 हो चुकी है, मतलब की बिल्कुल दोपहर हो रखी है। ठीक है, आप जल्दी से ना टास्क पे ध्यान दे लेते हैं। टास्क पे ध्यान देंगे तो हमारे पास आ रखा है बिल्ड स्मॉल कूप ब्लूप्रिंट, यूज बिल्ड ऑप्शन इन सर्कल मेनू टैब स्मॉल कूप ब्लूप्रिंट बिल्ड। ठीक है ठीक है, और इन्होंने बोला कि टैब दबा के आप है ना यहाँ पे एक स्मॉल कूप बना सकते हैं। स्मॉल कूप शायद मेरे को, हाँ शायद मैं दो चिकन लेके आया था ना, उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि भाई उनके लिए कोई स्मॉल कूप वगैरह बनाओ। तो एक बार मैं आपको जो मैं कल चिकन लेके आया था ना उनसे मिला देता हूँ। तो गेट खोलते हैं, और यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे दोनों चिकन हैं। यहाँ पे इनके लिए मैंने चिकन नहीं बोलेंगे भाई, मुर्गियां बोलेंगे, चिकन तो वैसे भी कटने के बाद होता है। तो हमने इनके लिए यहाँ पे पानी रख रखा, और यहाँ पे कुछ दाने वगैरह रख रखे ताकि आराम से खा पी सके और मेरे लिए अंडे दे सके। तो एक बार इनको है ना यहाँ पे रहते रहते एक दिन हो गया, तो एक बार तो मैं अंडे देख लेता हूँ। भाई इन्होंने अभी तक अंडे ही नहीं दिए, भाई कितने दिन में अंडे दोगे भाई तुम? ठीक है, और अभी अपने मुर्गियों की हेल्थ देखेंगे तो हेल्थ तो ठीक है, और खाना पीना भी अच्छे से कर रखा है, बस पानी की कमी कैसे हो गई भाई। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी पानी की कमी है, क्या पता इनको पता ही नहीं हो कि यहाँ पे पानी रख रखा है। तो मैं एक बार इनको पकड़ के, अरे भाई मैंने तो पूरी बाल्टी उठा दी यार, एक मिनट रुको यार। भाई अलग अलग टाइप के गेम खेलोगे ना तो ऐसा ही होगा। तो इसको मैं यहाँ पे पकड़ के और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और अब इस दूसरी वाली को भी पकड़ के यहाँ पे आ जा भाई तू। ठीक है, एक बार बाहर चल के भाई जल्दी से टास्क वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं इस गेम के, फिर हम फ्री होके आराम से खेल लेंगे। तो यहाँ पे इसका गेट बंद कर दिया है, और हमारे पास ऑप्शन आ रखा है स्मॉल कूप ब्लूप्रिंट बिल्ड। तो हमें टैब दबाना है, और टैब दबाने के बाद जो बिल्ड वाला ऑप्शन है ना इसके ऊपर दबाना है। इसके बाद हमारे पास एक किताब खुल जाती है, और किताब खुलने के बाद भाई हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें क्या चीजें बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं भाई। ओके, शायद चिकन वाले पे चलते हैं, मेरे को लगता है स्मॉल कूप है ना भाई चिकन के लिए ही बनाना पड़ता है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं कहाँ पे बिल्ड करूँ भाई? और शायद मैं इसको है ना एक बार बिल्ड करने के बाद उखाड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं एक बार इसकी अच्छी सी जगह देख लेता हूँ। यहाँ पे ठीक रहेगा शायद, इस कोण में ठीक है भाई मुर्गियाँ। ओके, यहाँ पे भाई मैं बिल्ड कर लेता हूँ, शायद बिल्ड हो गया। तो इसको यहाँ पे चल के ऑफ कर लेते हैं एक बार बिल्ड वाला ऑप्शन। ओके, अब क्या करना है हमें, हमारे पास नेक्स्ट टास्क आ चुका है। ओ भाई, अच्छा अभी तक बना नहीं है भाई, अरे यार मैंने सोचा भाई बन गया, बस इतना ही आसान था। इसके अंदर हमें है ना प्लैंक डालने पड़ेंगे, वो भी पूरे 15, और प्लैंक डालने के लिए शायद मेरे को लकड़ियां वगैरह काटनी पड़ेंगी, मतलब कि मस्त गेम होने वाला है भाई। ठीक है, चॉप डाउन ट्री, अच्छा पेड़ काटना है, पहले पेड़ काटते हैं भाई। जो इन्होंने टास्क दे रखा है ना उसी हिसाब से हम सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ओके, पेड़ तो काट दिया, चॉप डाउन ट्री, अच्छा पेड़ तो हमारा डाउन हो गया, और देखो ना भाई कितनी गंदी तरह से घूम के पड़ा है पेड़। और अब क्या करना है, एंड प्रोसेस दी लॉन्ग सिन, अच्छा 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 ठीक है, इसको ऐसे ही करना है भाई। ये देखो हमारे पास पेड़ के है ना छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। टेक जेरिकैन, ओके ये लो भाई जेरिकैन उठा लेते हम। क्या गाड़ी के अंदर डालनी है क्या? ओ ठीक है ठीक है, टेबल सो फ्यूल्ड, शायद मैं कोई जो आइटम लेके आया था ना पिछले पार्ट में, ये वाली चीज लेके आया था ना, इसके अंदर ही कुछ है, और इसी के अंदर से शायद मैं प्लैंक वगैरह बना पाऊंगा। तो एक बार मैं इसको है ना समाल कूप के पास ही रख लेता हूँ। कैसे रखी जाएगी शायद, अच्छा इससे रखी जाएगी। ओके, और ये तो भाई शायद आरा लग रहा है मेरे को, वैसे हरियाणा में भाई जो लकड़ियां वगैरह छिलते हैं ना उसको आरा ही बोलते हैं, तो मैं इसको आरा ही बोलूंगा, आप समझ जाना कि क्या चीज है ये। ओके, तो भाई ये आरा मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे रखने के बाद अब क्या इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या स्टार्ट कैसे होगा वैसे ये, शायद टेबल, अच्छा इसके अंदर तेल डालना पड़ेगा। ओके, तो ये वाली चीज मैं उठा के ले आता हूँ, और यहाँ पे चलने के बाद इसको यहाँ पे लगा देते हैं। चलो भाई हमारा आरा है ना स्टार्ट हो चुका है, हाँ स्टार्ट हो चुका है, और उसकी रिफ्यूलिंग है ना वो भी फुल हो चुकी है शायद। अब मैं इसको हटा दूंगा तो बंद होगा क्या? तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
ओके, इसके अंदर भाई तेल डल चुका है। अब हमें है ना बार बार ये जरिकन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दो बस आराम से चलता जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने जो लकड़ियां काटी है ना वो उठा के लाते हैं, और एक साथ मैं सारियों को उठा लूंगा। नहीं, एक साथ में, एक बार में एक ही उठेगी, तो एक लकड़ी मैंने उठा के यहाँ पे लगाते हैं। ई दबाने के बाद आराम से लकड़ियां छिलनी शुरू हो चुकी है। देखना भाई कितना रियलिस्टिक गेम है भाई। ओके, लकड़ी हमारी छिलने लग चुकी है। शायद एक प्लैंक में मेरे को, एक लकड़ी के अंदर देखते हैं मेरे को कितने प्लैंक मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3, शायद एक लकड़ी के अंदर 2 प्लैंक ही मिले हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे पेड़ों की कटाई करके, भाई चलो भाई जल्दी जल्दी डाल लेते हैं, और शाम होने भी वाली है, क्योंकि है ना दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। लेकिन शाम तो भाई मैं जानबूझ के ही कर रहा हूँ यार, देखना पूरा का पूरा। और 1 मिनट, ठीक है, चलो चलो चलो। अब देखो भाई, देखना है स्टार्ट कैसे हो गया भाई। इसके अंदर, डब्बे के अंदर भी स्टार्ट हो रखी है मशीन। इसको उठा के यहाँ पे फटाफट भाई दोबारा से रखते हैं, और इसको ऑन करने के लिए शायद ई दबाना पड़ेगा। ओके, और इसके अंदर भाई ये वाला फट्टा भी मैं लगा देता हूँ। अब मेरे को भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि बार बार ये वाली मशीन ना उठ जाए बस। ठीक है, दोबारा से मैंने एक और लकड़ी डाल दी है, तो ये वाली चीज भी मैं, लकड़ियां उठा के फटाफट आरे के अंदर डाल देते हैं। टोटल मेरे को 8 लकड़ियां छीलनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे रख देते हैं, और ये वाली भी उठा के ले आता हूँ मैं। चलो चलो चलो, ओके, ये वाली भी यहाँ पे रखते हैं। नहीं भाई, सीधी आरे के अंदर डालनी थी, तो मैं यहाँ पे ये वाली लगा देता हूँ। और अभी एक और पेड़ काटना पड़ेगा शायद, हाँ काटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक पेड़ काटा था ना, तो उसमें 4 लकड़ियां मिली थी, और 4 लकड़ियों से हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं है ना एक और पेड़ काट लेता हूँ। और ये वाला पेड़ तो भाई बहुत ही बड़ा था, क्योंकि इसके अंदर है ना मेरे को 5 लकड़ियां मिल गई पूरी। चलो 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 चलो, हमने लास्ट वाली लकड़ी भी डाल दी है, और देखते हैं हम शायद कर पाएंगे अब। तो इसको उठा लेते हैं, शायद मैं उठा सारी सकता हूँ भाई, प्लैंक सारे उठा सकता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अब तो शायद मशीन का काम हो गया होगा। तो यहाँ से मैंने सारी लकड़ियाँ उठा ली हैं, और उठाने के बाद इसके अंदर डाल देते हैं। भाई 8 ही लकड़ियाँ बनी, ये वाली उठा के देखते हैं। अच्छा, वो है ना इसने सारी नहीं उठाई, तो यहाँ पे ओ भाई फर्स्ट कूप हमारा बन चुका। और देखना यार कितना मस्त लग रहा भाई, और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसको शायद मैं खोल सकता हूँ क्या? हाँ ऊपर से खोल सकते हैं भाई इसको, शायद ऊपर से उठा के मेरे को यहाँ पे चिकन डालने पड़ेंगे। क्या मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ? तो चढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको बंद करते हैं, शायद यार इसका एक गेट और होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मुर्गियों का मन कर गया कि... नहीं, निकल सकते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ से निकल सकते हैं भाई। ओ भाई देखना भाई, 1 मिनट रुको। देखो जैसे कि इस वाली चीज के ऊपर है ना चढ़ नहीं सकते, मतलब कि चढ़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको चढ़ना हो ना तो यहाँ पे चल के इसको है ना ऐसे कर दो, और आप सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। तो काफी मस्त चीज है ये। ठीक है, यहाँ पे अपने मुर्गियों का घर तो बन चुका। अभी है ना मैं एक बार जल्दी से मुर्गियां उठा के इसके अंदर रख देता हूँ, लेकिन मुर्गियां रखने के लिए 1 मिनट देखते हैं भाई। फटाफट इसको उठा के, और चल भाई तू सीधा कूप के अंदर चल, बस ये ना हो कि भाई सर्दी के कारण इनकी मौत हो जाए, क्योंकि ऊपर से देखना भाई ऊपर से कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, शायद बारिश वगैरह सीधा इनके ऊपर ही पड़ेगी। ओके, तो इसको है ना मैं एक बार, अरे भाई शायद इसको ऐसे करके रखना पड़ेगा। ओके अंदर चल। ओ भाई ठीक है, एक मुर्गी मैंने अंदर डाल दी। अरे तू कहाँ पे चली गई भाई, बाहर क्यों जा रही है तू? देखना यार इनमें ये दिक्कत है, बस ये इधर इधर घूमने लगती है यार। ओके, मैंने दूसरी मुर्गी भी उठा ली है, इसको भी है ना मैं फटाफट अंदर रख देता हूँ। और मैं इसके अंदर भाई पानी वगैरह का जुगाड़ कैसे करूंगा, वो चीजें भी मेरे को देखनी पड़ेंगी। चल भाई अंदर जा। अरे भाई मैं बार बार क्यों उठ जाता हूँ। चलो मैंने मुर्गियां तो दोनों की दोनों इसके अंदर डाल दी, लेकिन दिक्कत ये है यार, मैं देखते हैं भाई शायद मैं इसके अंदर पानी वगैरह रख पाऊँ, तो ये वाली चीज भी मैं उठा लेता हूँ। क्या हो गया, उठी नहीं क्या भाई वो वाली? अरे 1 मिनट रुको यार, वो वाली चीज गायब ही होगी भाई, मैंने यहाँ पे इतना सारा दाना डाल रखा था, लेकिन वो चीज गई कहाँ पे यार? अब मेरी मुर्गियां क्या खाएंगी, ये तो भाई परेशानी वाली बात है। तो मैं एक बार है ना ये पानी वाला सिस्टम भी मैं बाहर लेके चलता हूँ, और मुर्गियों के पास रख देते हैं भाई। देखता हूँ मैं पानी वाला सिस्टम यहाँ पे रख पाऊंगा या नहीं। तो इसको उठा के ये वाला खोल के, और शायद मैं रख पाऊंगा। नहीं भाई फिर ये बाहर कैसे निकलेंगी, वो वाली भी तो दिक्कत है ना। चलो एक बार देखते हैं, मैं पानी वाली जरिकन और उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। पानी वाली बाल्टी उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो शायद हाँ रखी गई भाई, पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। और खाने वाला देखना पड़ेगा भाई, खाने वाला शायद मेरे को मार्केट में जाके कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा इनके लिए,
और यहाँ पे चल के देखेंगे तो शायद ये हमारे पास कुछ है। आर टू रिफिल कार। ओ ये क्या था, शायद ये गाड़ी वगैरह पलट जाए ना, उसको ठीक करने के लिए होगा। तो एक बार जो ये वाली टोकरी है ना, इसको भी मैं अंदर रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और जो अपनी मशीन है ना, इसको भी अंदर रख लेते हैं भाई। पता चले बारिश के कारण इसके अंदर जर लग गया और मेरे को दोबारा से नई लेके आनी पड़ गई, तो इसको मैं, अरे भाई इसको तो हम ऐसे तो रख ही नहीं सकते, तो इसको एकदम गिराना ही पड़ेगा। इसको उठा के और यहाँ पे रख देते हैं इसको। भाई देखना डब्बे के अंदर भी ऑन कर सकते हैं। अभी आप साउंड सुनना इसका, ये देखो भाई, देखो इसके अंदर से धुआं भी निकलने लग गया। ओके, मशीन को बंद कर देते हैं भाई, बेफालतू में ही तेल पिएगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट टास्क और आ चुका है, और हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि अटैटिक डिमोलिश्ड, सेकंड फ्लोर डिमोलिश्ड, फर्स्ट फ्लोर डिमोलिश्ड, दिस हाउस इज बियॉन्ड रिपेयर। अच्छा, लेट्स डिमोलिश इट एंड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। शायद भाई अपने को कोई घर वगैरह तोड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो एक बार चल के देखते हैं। शायद भाई ये वाला घर है ना, मेरे को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए एक बार है ना, जहाँ पे ब्लू स्टिक आ रखा वहां पे चल के देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाए। तो अपने को तोड़ने की शुरुआत शायद यहाँ से करनी है क्या? नहीं, पूरा ही घर तोड़ना पड़ेगा। तो एक बार है ना, ये वाली चीज मैं हाथ में ले के देखूंगा, तो भाई हर चीज पे लाल निशान आ रखा है। ओ भाई, शायद भाई अपने को है ना, ये सारा का सारा घर तोड़ना पड़ेगा, और घर तोड़ने के बाद शायद नया घर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके, डिमोलिश दी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। मतलब कि पहले हम भाई छत तोड़ेंगे, ना कि दीवार तोड़े, वरना तो भाई एक एक गुस्से में ही हमारा काम हो सकता है। जैसे कि हमें इसके पीछे वाली दीवार तोड़ दी है ना, तो पहले ये वाला पोस्टर हटाना पड़ेगा, देखो ऐसे। और ये भाई क्यों नहीं टूट रही, शायद ये वाली चीजें हटानी पड़ेंगी। ओके, और अभी भी नहीं टूट रही भाई, शायद इसके पीछे है ना कुछ तो है। ओके ओके, अब नहीं टूट रही भाई, क्योंकि इसके पीछे है ना ये वाला पोस्टर लगा रखा है, तो ये वाला पोस्टर हटाने के बाद देखना अभी टूट जाएगी। अब देखो ठीक है, अभी सारा का सारा मैं डिमोलिश कर देता हूँ। तो पहले तो जो भी अपने सामने मतलब टूटने वाली चीज है ना, वही तोड़ेंगे हम। उसके बाद जो भी हमारे हत्थे चढ़ेगा, सारी चीजें मैं तोड़ फोड़ दूंगा यहाँ से भी। भाई मेरे को लग रहा है कि पूरा 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि यार जो हमारा घर है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ओके, और यहाँ से ये वाली खिड़की भी तोड़ देते हैं, ये वाला गेट तोड़ देते हैं। यार मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार, क्योंकि मेरे दादाजी ने है ना इस घर को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा के बनाया होगा भाई। ओके ठीक है, ये वाली सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पे ये वाला कचरा वगैरह भी तोड़ देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं मतलब कि। ओके, और एक काम करते हैं भाई, पहले है ना हम ऊपर से तोड़ना शुरू कर देंगे नहीं, जुकाम में भाई पता नहीं क्या क्या निकल जाता है मुंह से, क्योंकि नाक से आवाज आने लगती है। ओके, और ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया हूँ, लेकिन इसकी छत वगैरह कैसे तोड़ूंगा मैं, शायद तोड़ पाऊंगा तो एक बार यहाँ पे चल के सारी। अच्छा, यहाँ से भी हम और ऊपर, अरे भाई यहाँ से क्या, यहाँ पे तो आया ही था मैं। चलो सबसे पहले है ना हम ऊपर से तोड़ना शुरू करते हैं, ताकि हमें कुछ दिक्कत ना हो। ओ भाई देखना यार, ऊपर से कितना जल्दी काम बन गया। चलो ठीक हुआ ये तो। यहाँ से मैंने भाई जितनी भी चीजें तोड़ी थी ना, वो अपने आप देखना, दो तो नहीं कह सकते, मतलब 10 सेकंड में यहाँ से गायब हो जाती है। देखना यहाँ पे मैंने कितना ज्यादा सामान तोड़ा था, वो सारा का सारा यहाँ से गायब हो चुका है। तो यहाँ पे ये वाली छत तोड़ देता हूँ। छत तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है भाई, क्योंकि एक 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 चोट लगने के बाद ही सारी की सारी बिल्डिंग ढह जाती है। चलो चलो भाई, मैं कहाँ पे हूँ, मैं दिख ही नहीं रहा। ओके, और यहाँ से ये वाली चीज भी तोड़ देता हूँ। देखना भाई कितनी मस्त मस्त चिमनियां बना रखी थी यार दादाजी ने। चलो यार कोई बात नहीं, दादाजी के लिए इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा मैं। हमारा बंदा यार तोड़ते तोड़ते काफी ज्यादा थक चुका है, देखना यार बेचारा धीरे धीरे से मारने लग गया अब तो। चलो ऊपर से तोड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये वाली चीज क्यों नहीं तोड़ पा रहा मैं, शायद है ना इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। ओके, और अब हाँ अब शायद ये वाली चीज तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, टूट तो जाओ, कुछ भी नहीं टूट रहा। और यहाँ पे यार जो हमारी चेस्ट है ना, इसके अंदर से मेरे को कुछ पैसे मिले थे, और यहाँ पे कुछ बंदूक और ये वाला लेटर मिला था, तो ये वाली चीजें भी तोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये भी तोड़ देते हैं। चलो भाई साहब, एक हथौड़े में ही पूरी छत आ गिरी। चलो यार डिमोलिश करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है यार, क्या यार, और इतनी दूर से भी मैं चीजें तोड़ सकता हूँ। देखना भाई हमारे अंदर सुपर पावर वगैरह है। चलो टूटो भाई टूटो, पूरा घर कितना ज्यादा बड़ा है यार, तोड़ने में इतने टाइम लग रहा है तो बनाने में कितना टाइम लगा होगा, ये भी तो सोचो ना। और मैंने ऊपर वाला जो थर्ड फ्लोर था ना, वो तो तोड़ दिया, अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ।
तो सेकंड फ्लोर भी अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा। अपना थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों टूट चुके हैं और अभी है ना बस नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर ही बचा है, तो इसको भी मैं फटाफट तोड़ देता हूँ यार। शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने पूरा का पूरा घर भाई तहस नहस कर दिया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बस ये वाली थोड़ी बहुत स्टेयर मैंने छोड़ दी है, तो इनके ऊपर एक बार चढ़ के देखते हैं। ये देखो भाई सारा का सारा घर मैंने तहस नहस कर दिया है। अभी ये वाले स्टेयर है ना, इनको भी तोड़ देते हैं। और शायद सारी चीजें टूट गई, तो फर्स्ट फ्लोर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने तोड़ तो दिया भाई सारा। अच्छा, ये वाली चीज भी तोड़नी थी, और ये वाली भाई सिर्फ एक या थोड़े में टूट गई। ओके, तो शायद हम इस गेम में आजाद हो चुके हैं। अभी शायद हमारे पास कोई भी टास्क नहीं आने वाला। अब हम इस गेम को अपने हिसाब से खेल सकते हैं, अपने हिसाब से चलेंगे। जो भी चीजें अपने को करनी होगी ना वही करेंगे, इनके हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला घर भाई बेफालतू में तुड़वा लिया अपने से इन्होंने। कांग्रेचुलेशन यू हैव कंसेंट द नाउ एंड द बेसिक यू आर फ्री टू एक्सपेंड योर। ठीक है, सारी चीजें भाई अपने को पता ही है, मतलब कि अब हम सीधी सीधी बात है आजाद हो चुके हैं, कोई भी चीज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब सीधा है ना, एक बार मैं मुर्गियों के पास चलता हूँ और आज से भाई ये वाली चीजें ना मटा लेता हूँ अपने हाथ ही। ठीक है, फटाफट भाई मुर्गियों के पास चलते हैं और देखते हैं मुर्गियों को कोई चीज की जरूरत है या नहीं। और अभी है ना शाम के 7:30 हो चुके हैं, तो थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। शायद रात होने से पहले मेरे को मुर्गियों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, तो मुर्गियों की देखना पानी। ओ भाई ओके, और शायद है ना ये समालकूप का ही चक्कर था, क्योंकि इन्होंने है ना यहाँ पे 2 दिन से भाई मैंने मुर्गियां रख रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इन्होंने अंडा वगैरह नहीं दिया। और समालकूप में रखे भाई बस 3-4 घंटे ही हुए हैं, और इन्होंने है ना यहाँ पे एक मस्त सा अंडा दे दिया। ये एक ही दिया है ना? हाँ एक ही देगी भाई, क्योंकि दूसरे वाला तो नर हो सकता है ना, तो ये वाली मादा है शायद, इसने अंडा दिया है। तो एक बार मैं है ना, यार भाई बार बार क्यों उठा देते हो मेरे को यहाँ पे चल के, जो अपनी ये वाली कटोरी नहीं टोकरी है ना, इसको उठा के और एक बार मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, शायद इसके अंदर मैं अंडे वगैरह डाल पाऊंगा। तो यहाँ पे चल के ये वाला शायद हमें E2 पुटिन। ओके, और भाई इसके अंदर मैंने अंडा डाल दिया बहुत ही ज्यादा आसानी से। ये वाली चीज क्या है भाई, E2 रिमूव। अच्छा ये इन्होंने टट्टी वगैरह कर दी भाई, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, इनकी टट्टी वगैरह उठा दिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इनका खाने का कुछ करना पड़ेगा भाई। पानी तो है, इस वाले मुर्गी ने पानी नहीं पिया यार। अच्छा शायद इसने अंडा दिया है ना, तो अभी इसका मन मतलब थोड़ा और तरह का होगा, तो इसने पानी नहीं पिया। ओके, तो एक बार इसको बंद कर देते हैं, और बार बार मेरे को उठा ही देता है ये समालकूप, और अंडे को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पता चले अंडे की ये क्या है। अच्छा इसके अंदर एक टोकरी के अंदर है ना हम शायद 40 अंडे डाल सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा अंडे डाल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई इसको अगर मैं बाहर छोड़ दूंगा ना इस वाली टोकरी को, क्या पता कोई कुत्ते वगैरह को इनकी सौगंध वगैरह आ जाए और हमारे अंडे वगैरह खा सकते हैं डोगी यहाँ के। तो अभी रात होने ही वाली है, थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगा, और मुर्गियों का गेट वगैरह भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ताकि कोई भी जंगली जानवर इनको खा ना सके। चलो अपनी सारी चीजें ओके हो चुकी हैं, और सारे के सारे इस गेम के टास्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं ना यहाँ पे चल के सो जाता हूँ, उसके बाद भाई बाय कर देते हैं मस्त वाली। सोते सोते तो काफी टाइम हो गया, लेकिन यार सुबह क्यों नहीं हुई, शायद मैं 8 बजे के बाद सो पाऊंगा, देखते हैं। चलो 8:18 हो गई है, अब सो के देखते हैं भाई, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है, सोऊंगा तभी तो हमारा गेम भी तो सेव होगा ना। तो फटाफट यहाँ से सो जाते हैं, शायद अब की बार सो गया मैं, और अभी सुबह हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मिलते हैं आपसे हमारी एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।